तो गाइस आज की वीडियो में हम बनाएंगे इनविजिबल इंक, वो भी इस नींबू की मदद से। जैसा कि आपने सही सुना, ये है एक नींबू लेमन, इसकी मदद से हम बनाएंगे इनविजिबल इंक। तो देखते हैं किस तरीके से बनेगी। तो ये मैंने एक नाइफ ले लिया है, इसको कटिंग कर लेंगे। तो बीच में से नहीं काटूंगा मैं, थोड़ा ऊपर से काट दूंगा। तो देखिए ये यहाँ से मैंने इसे काट दिया है। उसके बाद सिंपली हमें इसे अलग कर लेना है इसके ऊपर से। तो फिलहाल जो ये नीचे इसका रस पानी जो टपक गया, इसे साफ़ कर देते हैं और इसको ऊपर से अलग कर लेते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से, देखिए ये दोनों नींबू हैं और एक को साइड में रख देते हैं छोटे वाले पीस को, और बड़े वाले पीस का यूज़ करेंगे हम। तो अब हम लेंगे एक पेपर, तो क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा तो उसी पेपर का यूज़ करके हम उस पर लिखेंगे। तो देखिए ये मैंने पेपर ले लिया है और इस पेपर का यूज़ करेंगे हम इनविजिबल इंक को दिखाने के लिए। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको बीच में से थोड़ा सा आधा कर लेते हैं। तो देखिए इसे मैं आधा कर ले रहा हूँ और हम इस वाले पीस का यूज़ करेंगे। देखिए तो ये पूरा पेपर है। उसके बाद चाहिए, देखिए ये मैंने ले लिया है और इसका यूज़ करके हम इस पर लिखेंगे। ये आप कॉटन का है थोड़ा सा, इसका आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये थोड़ी सी इसका जो रस रहता है वो सोख ले। तो इसे यूज़ करूँगा देखिए, और उसके फिर मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, ऐसे तो कुछ भी नहीं चमक रहा मुझे भी, और बाद में देखते हैं कि इसमें कुछ चमकता है या नहीं चमकता। तो पहले सर फटाफट से लिख लेते हैं जो लिखना है। तो गाइस देखिए मैंने लिख दिया, कुछ चमक तो रहा नहीं है अभी भी, कुछ दिख नहीं रहा। तो पता नहीं इसमें कुछ दिखेगा भी या नहीं दिखेगा, पता नहीं, पर एक बार चेक करके देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक माचिस लेनी पड़ेगी। ये देखिए मैंने माचिस ले लिया है और इसको जलाते हैं। तो इसको जलाने के बाद इस पेपर को इसके ऊपर रखे और इसमें मतलब हीट देंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले माचिस को इसके नीचे लाते हैं। तो देखिए अभी तो पेपर में कुछ नहीं चमक रहा, मैं आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ, देखिए कुछ नहीं चमक रहा अभी। तो अब माचिस को जलाते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए ये माचिस को ये नीचे आग जल रही है देखिए इसमें, और नीचे अब देखिए इसमें लगाते हैं ऊपर से कुछ इस तरीके से। तो फिलहाल तो इसमें कुछ असर हो नहीं रहा, शायद माचिस की वजह से बहुत थोड़ी सी उसमें हीट है या उसकी आग थोड़ी सी है, इसी वजह से इसमें पता नहीं चल रहा। देखिए बीच में ये पीला पीला, ये तो पेपर जलने लग गया है। तो अभी तक तो कुछ ऐसा दिखा नहीं है। तो कैंडल का यूज़ करते हैं क्योंकि माचिस थोड़ी सी दिक्कत कर रही है एक जगह लगाने में, तो इस कैंडल का यूज़ करेंगे हम। कैंडल को जला लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए गाइस यहाँ से मैं इस कैंडल को पहले इसके ऊपर का हिस्सा ये निकाल देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ से अब जला देते हैं। तो देखिए ये मैंने जला दिया है, अब पेपर को इसके ऊपर लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या कुछ दिखता भी है या नहीं दिखता। तो लेट्स स्टार्ट, चेक करके देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो गाइस देखिए पूरी मेहनत के बाद इतना ही चमक पाया है, इतना ही दिख पाया है। बाकी अगर हम सही से इस पर यूज़ करें, ये नीचे से अगर मैं मोमबत्ती सही से लगाता तो ये शायद हो भी जाता उतना अच्छे से, पर फिलहाल तो ये इसी तरीके से हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। अगले एक्सपेरिमेंट में देखेंगे नींबू से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं।